नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जाप एजुकेशन चैनल पे। तो इस वीडियो में सैनिक स्कूल में पूछे गए प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चन है, जो कि पूरे 25 जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लासेस में। तो इस वीडियो में आज 25 जीके क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो रहेगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप लोगों को सैनिक स्कूल से रिलेटेड डेली वीडियो मिलता रहेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वहाँ का जो कि सामान्य ज्ञान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया था, किस यंत्र का प्रयोग वाहनों की चाल मापने के लिए किया जाता है? तो वाहनों की चाल को मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? स्पीडोमीटर का, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना? तो भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय चुना, वो है सारनाथ, यानी कि भारत ने सारनाथ स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कहानी प्रसंग हमेशा महाभारत और रामायण से ली जाती है? तो ये ली जाती है किससे? भरतनाट्यम से, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर संघ सम्मत के आधार पर महीनों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जो कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, जो कि हिंदी के महीनों को जी आपको जो बोलते हैं चैत्र, उसके बाद वैशाख, उसके बाद जेठ, उसके बाद आषाढ़। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया, अब इसको विस्तार से हमें बताना है, जो कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले चैत्र आएगा, उसके बाद वैशाख आएगा, उसके बाद जेठ आएगा, उसके बाद आषाढ़ आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए बी सी डी इसका विस्तार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा लड़ाकू वायुयान है? तो यह है तेजस, क्योंकि तेजस लड़ाकू वायुयान है, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा सी कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? वो है संतोष ट्रॉफी, जो कि संतोष ट्रॉफी कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 57, चींटियां अपने समूह की चींटियों को कैसे पहचानती है? किससे पहचानते हैं? गंध के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा पोल्ट्री फार्मों में पालतू है? वो है मुर्गी, जो कि होती है मुर्गी। क्वेश्चन नंबर 59, जीभ पर फैली हुई होती है और भोजन में रसायनों से अभिक्रिया करती हुई है स्वाद कलिका है, जो कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, खाद परीक्षण करते समय हमीकरण क्या करता है? यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है खाद परीक्षण करते समय हमीकरण क्या करता है, वो होता है सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 61, हवा चौक ड्रमस्टिक और ड्रिफल मैपिंग के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाते हैं, क्योंकि इनमें सपच बीज होते हैं, जो कि इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सपच बीज होते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की परंपरागत वर्षा जल संग्रहण तकनीक है? राजस्थान की परंपरागत वर्षा जल संग्रहण तकनीक है, वो है टांका। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलेगा? अब यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलेगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो चीनी जो कि जल में घुल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो यहाँ पर पूछा गया है संक्रामक रोग कौन सा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छोटी माता चिकन पॉक्स ये एक संक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 65, पर्वतों पर चढ़ने के लिए हमें क्या करना है? जो कि ऑप्शन यहाँ पर तय गए हैं चार, आगे की ओर झुकना चाहिए, पीछे की ओर झुकना चाहिए, सीधे चलना चाहिए, तिरछा एक तरफ चलना चाहिए। जब हम पर्वतों पर यानी ऊंचे पर चढ़ते हैं तो हमें आगे की ओर झुकना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाई गई खगोलीय प्रशिक्षण का नाम बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाई गई खगोलीय प्रशिक्षण का नाम
बताइए। तो ये है जंतर मंतर, क्या है जंतर मंतर, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 में आंतरिक चट्टाने खनिज आदि सम्मिलित होते हैं, तो ये होते हैं भूमंडल, जो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। भूमंडल में आंतरिक चट्टाने खनिज आदि सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 लाखों वर्ष पहले के पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है, यानी कि लाखों वर्षों पहले के पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है, किसके नाम से जाता है, जीवाश्म ईंधन के नाम से, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 रसगुल्ला की लोकप्रिय मिठाई है, तो रसगुल्ला की लोकप्रिय मिठाई किसकी है, तो यह है पश्चिम बंगाल, क्योंकि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, रसगुल्ला पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय मिठाई है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा भारत एक जनजातीय समुदाय है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत एक जनजातीय समुदाय है, वो है भील, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 बादल अधिकतर बने होते हैं, तो बादल अधिकतर जल की बूंदों से बने होते हैं, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन सी कृति के लिए वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया, तो किसके द्वारा, चेकबुक, तो चेकबुक कृति के लिए वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 यूएन महासभा जनरल और असेंबली के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, यूएन महासभा जनरल असेंबली के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये थे श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 74 मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन से भाग में सूर्य ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, वो है काख बगल, यानी कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से काख बगल भाग में सुबेद ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 कंगारू के छोटे बच्चों को हम क्या कहते हैं, तो कंगारू के छोटे बच्चों को क्या कहते हैं, फोल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। तो ये थे 25 जी के क्वेश्चन, जो कि सैनिक स्कूल 2021 में पूछे गए थे। आपको डेली इसी तरह से वीडियो मिलता रहेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।